ट्रेनों से जंगली जानवरों के साथ हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे विभाग, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वन विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। विभागों ने लालकुआ के रामपुर और लालकुआ से गुल्लर भोज रेल मार्ग का गहनता से निरीक्षण किया गया। इस संयुक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य हाथियों की सुरक्षा में अंडरपास बैरिकेड लगाना है ताकि वन्यजीव सुरक्षित रूप से विचरण कर सके। इस निरीक्षण में रेल विभाग, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वन विभाग की टीम में तराई केंद्रीय वन विभाग के प्रभारियों, वनाधिकारी हिमांशु बागड़ी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे वैन बना के हाथी को पास पास करवाया जाएगा, बाकी सारी जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी जाएगी ताकि इससे हाथी बाकी जगह से नहीं निकले और वहीं से भाग है। उसके अंतर्गत दो रेलवे लाइन है, एक लालकुआ किलर रोड और लालकुआ रोड रोड, तो हाथी और ट्रेन के दुर्घटना से अति संवेदनशील है। तो इसके लिए एक समिति गठित की गई, जिसमें रेलवे के प्रतिनिधि डब्ल्यू आई है और डिपार्टमेंट के लोग थे, उनके द्वारा ट्रेन लाइन का इंस्पेक्शन किया गया है। जिस स्थान पर कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाया जा सके जिससे कि भविष्य में दुर्घटनाएँ कम हो सके, उस पर निर्णय लिया जा सके। इसके उपरांत रेलवे विभाग द्वारा इसमें भारत सरकार को प्रस्ताव दिया जाएगा और उपलब्ध होने के बाद अभी हाल जो इंस्पेक्शन वाली कार्रवाई थी, इसकी प्रक्रिया 3-4 महीने पहले स्टार्ट कर दी गई थी। तो उसमें प्राइमरी सर्वे रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा कर लिया गया था, क्योंकि ये दिक्कत है कि इसके बीच में सर्वे से पूरी की दुर्घटना हो गई। पर अभी प्रयास किए जा रहे हैं, रेलवे से वार्ता हुई है कि आसपास का जो विजिबिलिटी है उसको इमीडिएट तौर पर बनाया जाए और शॉर्ट टर्म मेजर्स और लॉन्ग टर्म मेजर्स भी इसके डिसाइड किए जाए, तो डेट के अलावा अगले साल और उसके बाद भविष्य के लिए भी इसमें स्ट्रक्चर बनाया जाए।